नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ धनु लग्न की कुंडली के 12 भावों में चंद्र मंगल योग के प्रभाव को लेकर। धनु लग्न की कुंडली, इस लग्न की कुंडली के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के ये दोनों मित्र हैं, चंद्रमा और मंगल दोनों बृहस्पति के मित्र हैं। बृहस्पति भी चंद्रमा और मंगल दोनों के मित्र हैं। अब अगर इस लग्न की कुंडली में हम चंद्रमा मंगल के डिपार्टमेंट की बात करें कि चंद्रमा और मंगल को किन किन भावों का स्वामी बनाया गया है, तो चंद्रमा इस लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश हो जाता है, अष्टम भाव का स्वामी होता है। दूसरा कि वो अष्टमेश है। तीसरा, लग्न है अग्नि तत्व का और चंद्रमा वो है जल तत्व का। चंद्रमा है जल तत्व का, लग्न है अग्नि तत्व का, तो इस लग्न की कुंडली में चंद्रमा ज्यादातर भावों में शुभ फल नहीं करेंगे। मंगल को देखें तो मंगल को एक भाव पंचम भाव में मिला हुआ है और एक द्वादश भाव का स्वामी मिला हुआ है। अब मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो मेष राशि है वो पंचम भाव में है। लग्नेश के मित्र भी है मंगल और इस कारण से इस लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक बने और चंद्रमा मारक भूमिका में आ गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चंद्रमा इस लग्न की कुंडली के लिए मारक हैं और मंगल योग कारक हैं तो चंद्रमा मंगल की युति से लक्ष्मी योग नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हर भाव में नहीं बनेगा, पर कुछ ऐसे भाव हैं जहां पर लक्ष्मी योग बनेंगे। धनु लग्न में दूसरे, तीसरे, चौथे, नौवें, दसवें और एकादश, पुनः एक बार बता देता हूं, दूसरे, तीसरे, चौथे, नौवें, दसवें और ग्यारहवें, इन भावों के अलावा अन्य किसी भी भाव में चंद्रमा और मंगल इकट्ठे होकर बैठेंगे तो लक्ष्मी योग नहीं बनेगा यकीनन। अब इसका कारण क्या है कि दूसरे भाव में चंद्रमा बैठेगा तो लक्ष्मी योग बनाएगा, क्योंकि वहां पर केपी में भी 2-8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3-8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तीसरा में, चौथा में 4-8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, नवों में बैठेगा चंद्रमा तो 8-9 का कॉम्बिनेशन बनेगा, दसवें में बैठेगा तो 8-10 का कॉम्बिनेशन बनेगा, एकादश में बैठेगा तो 11-8 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये क्या कारण है? जिस जिस भाव का मैंने नाम बताया उस भाव में चंद्रमा और मंगल इकट्ठे बैठते हैं तो यकीनन शुभ फलदायी होंगे। इसके अलावा जितने भी भाव बच गए उस भाव में लक्ष्मी योग नहीं बनेंगे। पहले ही बता चुका हूँ कि चंद्रमा मारक है, 6, 8, 12 भाव में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। कारण जान लीजिए कि छठे भाव में मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर छठे में जाएगा, ये भी सुफलदायी नहीं है, और आयु का स्वामी होकर चंद्रमा जाएगा। हालांकि चंद्रमा उच्च का होगा अपने से एकादश भाव में, लेकिन आयु का स्वामी होकर रोग के घर में जाएगा, वो भी सुफलदायी नहीं है। अष्टम भाव में चंद्रमा तो स्वराशि का हो जाएगा लेकिन मंगल वहां पर निगेटिव हो जाएगा, और नीच का भी हुआ तो कैसा, एक हानि का स्वामी एक पंचम का स्वामी, यानी संतान गर्भधारण में बाधा, संतान उत्पत्ति में बाधा, ये संतान सुख में कमी करता है। द्वादश भाव में ऑलरेडी नहीं बनेगा, यहाँ पर मंगल स्वराशि का आ जाएगा लेकिन चंद्रमा 8-12 का कॉम्बिनेशन बनाएगा, जो कि एक्सीडेंट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। यदि आपकी भी धनु लग्न की कुंडली है, मेरा एक वीडियो पूर्व से बना हुआ है, प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक चंद्र मंगल योग का प्रभाव, आप उस वीडियो को फॉलो कीजिए और देखिए कि उसमें आपको क्या फल मिलने वाले हैं। उसके बाद उन ग्रहों का पावर देखिए, फिर ये चेक कीजिए कि उसकी महादशा या अंतरदशा कब आ रही है, उसके बाद आप जान पाएंगे कि लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में अवश्य बनेगा।